सिंघम के मेकर्स दे दनादन तरीके से इस मूवी के पोस्टर आउट कर रहे हैं। तभी मैं सोचूं यार कि इस मूवी के पोस्टर आउट क्यों कर रहे हैं मेकर्स। फिर क्या आज अचानक से मेकर्स ने इस मूवी की अनाउंसमेंट वाला एक और नया पोस्टर आउट कर दिया है। पोस्टर में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है सिंघम और नीचे लिख दिए एक डेट। डेट भी नहीं लिखी है यार, इन्होंने इशारा कर दिया है कि ये मूवी अब दिवाली पर रिलीज होगी। तो चलिए आपको बताते हैं सिंघम मूवीज के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। देखो, सिंघम सीरीज रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। मूवी का पहला पार्ट पता है कब रिलीज हुआ था? इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था 2011 में, जिस मूवी ने भाई साहब बॉक्स ऑफिस में तहलका काट दिया था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये मूवी रिमेक थी। जी हाँ, शौक हो गया ना। ये मूवी रिमेक 2010 में आई सिंघम मूवी की, जिसमें हमारे सूर्या भाई साहब मेन लीडर के तौर पे थे, और शायद आपने उस मूवी को देखा भी होगा। हिंदी में अलग अलग नाम से डब हुई थी ना। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इस कॉप यूनिवर्स की दूसरी मूवी रिलीज होती है, जिसका नाम रखा गया था सिंघम रिटर्न। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में, और आपके लिए बता दूं ये मूवी भी एक तरीके से रिमेक थी। नहीं पता था ना। इस मूवी की कहानी बेस्ड थी एकलव्य मूवी से, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी मलयालम इंडस्ट्री में। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, असली खेला तो अब होगा। 2018 में रिलीज हुई थी सिम्बा मूवी, जिसमें हमारे रणवीर सिंह मेन लीडर के तौर पे थे, और शायद आपने इस मूवी को देखा भी होगा। ये मूवी ने भी अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया था बॉक्स ऑफिस पर। फिर क्या उड़ती खबर ये निकल के आती है कि ये मूवी भी रिमेक थी। जी हाँ, ये मूवी रिमेक थी टेम्पर मूवी से, जिसमें हमारे NTR साहब थे, और शायद आपने इस मूवी को अभी भी हिंदी में देख लिया होगा, क्योंकि ये मूवी भी भाई टीवी पर भी और गोल्ड वाइंस मूवी पर भी पड़ी भी है। रोहित शेट्टी ने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन उस मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रह गई, क्योंकि इस कॉप यूनिवर्स की तीनों मूवी ऑफिशियली कहीं ना कहीं किसी मूवी से रिमेक थी। मेरा नजरिया तो यही कहता है कि इस कॉप यूनिवर्स की स्टार्टिंग 2021 में हुई है सूर्यवंशी मूवी से। इस मूवी ने भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया था बॉक्स ऑफिस पर। मुझे लगता है रोहित शेट्टी को डर बैठ गया है, क्योंकि इनके करियर की जितनी मूवीज इन्होंने बनाई है, उन मूवीज में कोई मूवी फ्लॉप साबित नहीं हुई है। लेकिन ये रिकॉर्ड 2021 में टूट गया था। जी हाँ, सर्कस मूवी से, जिसमें रणवीर सिंह मेन लीडर के तौर पे थे। तभी तो सिंघम अगेन मूवी में एक से बढ़कर एक एक्टर लिए रोहित शेट्टी ने। बताऊं कौन कौन से? अजय देवगन, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ। लेकिन मुझको शक था कि अर्जुन कपूर को मेकर्स ने क्यों लिया है। कुछ दिनों के बाद मेकर्स ने अर्जुन कपूर का एक लुकआउट किया, और भाई साहब मैं तो दंग रह गया यार, इतना गदर लुकआउट किया है। कभी कभी मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि अर्जुन कपूर को सदमा तो नहीं बैठ गया है? मलाइका अरोड़ा के साथ ब्रेकअप भी तो हो गया यार इनका। बताया जाता है कि अर्जुन कपूर डेंजर लंका का रोल करते नजर आएंगे। लंका मींस एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया है, जिसमें सभी टाइप की इलीगल धंधे चालू हैं। उस टाइप का हो सकता है बेबी। उसको रोकने के लिए हमारे अजय देव साफ साइड जाएंगे। भाई स्टोरी का अभी तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये मूवी रोहित शेट्टी के करियर में भाई साहब चार चांद लगा दे यार। ऑडियंस बहुत टाइम से ऐसी मूवीज का इंतजार कर रही है। ऑल ओवर गुड लुक, मैं इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही इस मूवी का टीजर और ट्रेलर आता है, वैसे ही तुम्हारा भाई इसका रिव्यू लेके आ जाएगा। वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। मिलते एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय बाय।